आप सबका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग तो एक्चुअली मुझे स्टार्ट करना था न्यू दिल्ली से, बट किसी कारणवश जो है मुझे अभी उधमपुर से जो है वो ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ता है। तो अभी हम लोग जो है वो उधमपुर पहुंच चुके हैं, और श्रीनगर जाने के लिए जो है अगर आप डल लेक वगैरह विज़िट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेन डायरेक्ट वहाँ नहीं जाती है श्रीनगर, तो उसके लिए आपको उधमपुर आना पड़ता है। फिर उधमपुर से जो है आपको बाई टैक्सी जो है बनिहाल जाना पड़ेगा, और फिर बनिहाल से आप जो है कि ट्रेन से जो है वो जा सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है वो उधमपुर पहुंच चुके हैं, और एक्चुअली क्या हुआ था कि मुझे लेट हो गया था, जिसकी वजह से जो है मैं ब्लॉग सोचा ट्रेन में बना लूँगा, और ट्रेन में जो है वो लाइट नहीं थी पता नहीं किसी कारण वजह से, और एक एक्सीडेंट भी हो गया था मेरे ट्रेन के साथ स्टेशन पे ही, तो जिसके वजह से वो जो है नहीं बन पाया। मैं बाहर आ गया हूँ जो है कि उधमपुर से हम लोग जो है उधमपुर बस स्टेशन जाएंगे, फिर वहाँ से जो है बनिहाल के लिए बस लेंगे। बाकी जो है मैं दिल्ली से कैसे यहाँ तक आना है, उसका टाइमिंग वगैरह क्या है, बाकी चीज़ें जो है वो मैं एक बार होटल पहुँच जाऊँगा, फिर जाके डिटेल दूँगा, सारा डिटेल से मैं जो है वो बता दूंगा आपको डिटेल का भी। अभी हम लोग चलते हैं पहले बस स्टैंड, वहाँ से जो है कि फिर बनिहाल के लिए देखते हैं क्या है, कार मिलता है या फिर जो है कि कोई बस वगैरह या कुछ मिलता है तो वो लेते हैं, फिर जाके बाकी बातें मैं आपको बस स्टैंड। उधमपुर रेलवे स्टेशन से जो है वो आप बनिहाल के लिए जो है वो टैक्सी वगैरह नहीं लीजिए, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा, 500-600-700 रुपये तक चार्ज करता है वो लोग। तो बेटर है कि यहाँ से बस स्टैंड पास में है, आप बस स्टैंड चले जाइए और वहाँ से आप जो है कि टैक्सी या फिर टेम्पो वगैरह कुछ भी मिल जाएगा तो आप वो ले लें, ये वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। बाकी वहाँ से बस भी चलती है बनिहाल रेलवे स्टेशन के लिए, तो वो और भी चीप पड़ेगा, बट लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा वो। अब बाकी एक आधी इन्फॉर्मेशन है कि स्टेशन से बाहर जो है वो टैक्सी वगैरह जो टेम्पो लगा हुआ है इस टाइप का जो आप देख रहे हैं वीडियो में, तो ये लोग भी जो है वो अगर आप इससे बस स्टैंड जाते हैं तो वो 200 रुपये जो है वो आपसे चार्ज करेगा। तो बेटर है कि इस टाइप का जो है कि वो मैजिक चलता है बस स्टैंड जाने के लिए, तो उससे जो आप जाएँ ये मैक्सिमम 30-40 रुपये जो है वो चार्ज लेता है, और ये आपको जो है बस स्टैंड छोड़ देगा। हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पे, और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये बस स्टैंड है। यहाँ से जो है आपको बनिहाल रेलवे स्टेशन और जम्मू कश्मीर दोनों जगह के लिए जो है वो बस मिल जाएगा, बट लेकिन थोड़ा चार्जेज जो है वो हाई है, पता किया तो उन लोगों का पता कहना है कि वहाँ से कोई सवारी नहीं आता, 500 वो चार्ज कर रहा बनिहाल के लिए। देखते हैं अगर कुछ डिस्काउंट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो टिकट करना तो पड़ेगा उसी। तो बाकी चीज़ें जो है वो मैं फिर बार बनिहाल स्टेशन पहुँचता हूँ, फिर मैं वहाँ से आपको डिटेल दे देता हूँ। तो फर्स्ट जो है आपको उधमपुर आना होता है, आप कहीं से भी जो है उधमपुर आ जाए, उधमपुर से फिर जो है वहाँ से आप टैक्सी वगैरह लेके जो है वो बनिहाल बस उदयपुर बस स्टैंड उधमपुर बस स्टैंड आ जाए, फिर वहाँ से जो है आप सीधा बनिहाल के लिए जो है टैक्सी वगैरह लेके बस भी जाती है, बट लेकिन बस में जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उस वजह से, और लास्ट ट्रेन जो है बनिहाल से 4:30 के आसपास है। चलिए चलते हैं बनिहाल, फिर जाके वहाँ पे आपको सारा। ये उधमपुर का जो है वो बस स्टैंड है, जो कि रोड साइड में ही बना हुआ है और पहाड़ के हिसाब से जो है वो ठीक है, और यहाँ से जो है श्रीनगर के बाकी पार्ट के लिए जो है आपको बस जो है वो मिल जाएगा, और यहाँ पे सिम भी जो है वो भी आपको मिल जाएगा। अब हम लोग जो है वो उधमपुर से जो है वो निकल चुके हैं बनिहाल के लिए। ये हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे 44 है, और इस रूट पे जो है वो बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है हाईवे का, और बहुत सारा जो है वो टनल वगैरह भी जो है वो बन रहा है। ये हाईवे जो है वो आपको जम्मू से होते हुए उधमपुर और बनिहाल होते हुए श्रीनगर को जोड़ता है। इस रूट पे अभी काम चलने की वजह से जो है वो टाइम जो है आपको थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट लेकिन आने वाले समय में जो है वो ये हाईवे जो है पूरी बन के जब कम्प्लीट हो जाएगी तो जाने के लिए श्रीनगर जाने के लिए बहुत कम ही टाइम लगेगा, और जगह जगह पे टनल का काम चल रहा है जिसमें कि हाईवे को एक्सपेंड करने के लिए, और ट्रेन रूट भी जो है इस रूट में बनना है तो उसका भी काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। ये जो है नेशनल हाईवे पे ही एक जो है वो बिल्डिंग का काम चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि देखिए अब किस तरह से बनाया जा रहा है, पहाड़ को काट के फिर जाके इसमें जो है प्रॉपर जो एक तरह से वॉल कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद जो है फिर बिल्डिंग होता है।
अभी जो है हम लोग वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं। ये टनल जो है वो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, और जो है कि इस टनल को जो है जो लेंथ है इसका जो डिस्टेंस है वो 9.28 किलोमीटर है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट टनल इसको बनाता है इंडिया का। और इस टनल को जो है जिससे जो है वो जम्मू को जो है श्रीनगर से जो है कनेक्ट किया जाता है, और जो है कि इसकी वजह से जो है ऑलमोस्ट जो है कि 2 घंटे का सफ़र जो है वो कम होता है, वरना पूरे पहाड़ को जो है चक्कर लगा के जो है क्रॉस करना होता है, जो कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। ये टनल की वजह से जो है वो 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है सिर्फ इस टनल की वजह से। ये टनल जो है वो नेशनल हाईवे 44 पे जो बना हुआ है, और ये टनल जो है वो देश का जो है पहला जो है वो फुल्ली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम से जो है वो लेस है, जिसमें कि जो है सारा चीज़ जो है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो डील किया जाता है, ट्रैफिक हो चाहे वेंटिलेशन का सिस्टम हो या फिर इमरजेंसी कॉल, बाकी जितनी भी सारा चीज़ है जो भी इमरजेंसी के टाइम जो है वो सारा एक जो है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इस टाइप के हाईटेक टनल जो है वो कश्मीर में और जो है कि बाकी देश के और बाकी हिस्सों में भी जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जो है पहाड़ पे सफ़र करना जो है वो और भी जो है आसान और सुरक्षित हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में आगे भी देखेंगे कि कई जगह पर जो है वो टनल वगैरह का काम जो है चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि इस रूट पे जो है कई जगह पे जो है वो टनल वगैरह का काम जो है चल रहा है, जैसा कि पीछे हम लोग ये हुए एक टनल जो है वो क्रॉस भी कर चुके हैं। ये सामने जो है ये दूसरा टनल है जो कि लगभग जो है वो बन चुका है, और जो है कि थोड़ा फिनिशिंग वगैरह का जो है वो काम चल रहा है, जिसकी वजह से आप देख भी रहे हैं कि थोड़ा जो है कि ट्रैफिक भी जो है यहाँ स्लो चल रहा है। नैनो का भोपाल देख रहे हो भाई, जो कि पहाड़ों में भी जो है कि बहुत आराम से जो है वो चला आया है इतनी हाइट पे, और इस बंदे को एक सैल्यूट तो बनता है यहाँ तक लाने के लिए। रतन टाटा जी का जो है एक सपना था कि नैनो को जो है इंडिया का सबसे चीपेस्ट कार बनाने का, और जो कि ये देखने के बाद लगता है कि सच है। जो है हम लोग बनिहाल स्टेशन जो है वो पहुंच चुके हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बनिहाल स्टेशन, और ट्रेन जो है अभी आने वाली है, थोड़ा हम लोग लेट भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो चलते हैं पहले टिकट वगैरह कटाते हैं। और फिर ये जो है थर्ड है, अगर आप मतलब दिल्ली से आते हैं तो आपको यहाँ बनिहाल आना पड़ेगा टैक्सी से, फिर यहाँ से जो है आप वो आगे श्रीनगर के लिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले टिकट कटाते हैं फिर जाके बाकी बातें। बनिहाल रेलवे स्टेशन के बाहर का जो है वो सीनरी है, बहुत ही खूबसूरत है, और ये जो है बीच में जो है कि यहाँ से लेके उधमपुर के बीच में जो है वो कोई ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है, और यहाँ से फिर श्रीनगर के बीच में कनेक्टिविटी है। आने वाले समय में जो है काम चल रहा है जो वो जल्द जो है यहाँ उसको जो है उधमपुर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और जब उधमपुर और बनिहाल के बीच में जो है रेलवे कनेक्टिविटी बन जाएगा तो उसके बाद जो है डायरेक्ट ट्रेन जो है श्रीनगर के लिए आने लगेगी। और ये जो है प्लेटफॉर्म का है, और ये वाली ट्रेन जो है वो हम लोग जाने वाले हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्राउड है जिसकी वजह से मैं अंदर का जो है वो आपको नहीं दिखा रहा हूँ वीडियो। फाइनली जो है हम लोग वो श्रीनगर जो है वो पहुँच चुके हैं, अब अभी हम लोग जा रहे हैं होटल पे। होटल तो मेरा बुक किया हुआ है पहले से, डल लेक के आसपास ही है। मैं भी कॉल करता हूँ भैया को, फिर जाके देखता हूँ क्या एड्रेस बताते हैं वो। बाकी जो है जो भी है कैसे ट्रैवल करना है उसके बारे में सारा डिटेल जो है मैं एक बार फ्लैट रूम पे जाता हूँ होटल में, फिर जाके बात करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, ऑलमोस्ट 24 घंटा से सोया नहीं हूँ। ऊपर से मैंने जो है कि ये ट्रेन का वीडियो भी नहीं बना पाया बनिहाल से जो था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था और ऑप्शन ही नहीं था बनाने का, इतना ज़्यादा ये था गेट पे बहुत ज़्यादा जाम था। तो मैंने कोशिश भी किया बट लेकिन नहीं हुआ, तो मैं ट्राई करूँगा कि जाने में जो है वो मैं फिर से दोबारा यही रूट पर लूँ, तो ताकि मैं फिर उसको बना सकूँ सब्जी वगैरह।
चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ, पहुँच चुका हूँ। और ये जो है होटल है, एक बार मैं आपको पहले ये डल लेक के जस्ट सामने है। वसीम भाई का मेरे पास जो है एक कॉन्टेक्ट नंबर था जिससे जो है मैंने होटल बुक किया था, तो वो नंबर जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनसे बात करके आप बुक कर लेना। कुछ एडवांस वगैरह देना होगा, साथ में आधार कार्ड देना होगा। और बाकी होटल जो है वो बहुत अच्छा, एक बार मैं आपको रूम का भी जो है टूर दे दूंगा अभी की, आप एक बार देख लेंगे। और मुझे तो बहुत पसंद पड़ा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये होटल को बुक करें। और सामने जो है वो डल लेक का एक नज़ारा भी है। चलिए पहले मैं एक बार आपको रूम का टूर दे देता हूँ, फिर जाके। ये सामने जो है वो होटल है, ये डल लेक है, उसके जस्ट सामने जो है ये हमारा होटल है। और ये एक स्पेस हो गया जहाँ पे बैठ के आप अगर टाइम वगैरह एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में जो है ये होटल का गैलरी हो गया, और गैलरी बहुत खूबसूरत है। और मेरा रूम जो है वो फर्स्ट ही रूम है। तो अब हम लोग जो है वो रूम में आ गए। रूम भी जो है वो वेल डेकोरेट है और बहुत ही खूबसूरत है। 1000 के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा रूम है। और मेरा जो रूम बुक किया था मैंने, वो यहाँ से बालकनी खिड़की से भी जो है आपको डल लेक वगैरह आराम से दिखेगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और साथ में जो है दूसरे साइड से जो भी है वो शहर सिटी जो है वो श्रीनगर सिटी जो डल लेक के आसपास बसा है वो भी आपको दिखेगा। और ये एक बेड दिया गया है जिसमें दो लोग जो है वो आराम से आप जो है रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिज़ाइन वगैरह भी है, बाकी चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी जो है बहुत सारा दिया हुआ है। और साथ में जो है हीटिंग वगैरह के लिए भी जो है यहाँ पे एक डिवाइस दिया गया है जिससे जो है ये कम्बल गर्म हो जाता है, और उससे जो है ठंड वगैरह लगने का कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप किसी सीजन में भी आइएगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। साथ में एक डस्टबिन भी दे रखा है, और ये एक LCD है, और ये मिरर हो गया। साथ में एक बार मैं बाथरूम भी आपको दिखा देता हूँ। बाथरूम में गीज़र वगैरह जो है वो सब लगा हुआ है, और वेल डेकोरेट और पूरा क्लीन है, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। साथ में इंग्लिश टॉयलेट है, और नहाने शावर वगैरह लेने के लिए भी सब कुछ पूरा क्लियर है। बाकी इस पे जो है फर्श पे भी जो है अच्छे से जो है उसको ये किया गया है, मैट वगैरह बिछाया गया है। अभी जो है वो मैं आया था तो मैं डाटा वगैरह ट्रांसफ़र कर रहा था, क्योंकि आज पूरे दिन जो है रिकॉर्डिंग हुआ था, तो उसका सारा डाटा वगैरह, क्योंकि कल हो सकता है प्लान हमारा जो है वो गुलमर्ग का रहेगा, तो गुलमर्ग के लिए जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में जो है आपको वो मिल जाएगा। एक बार जो है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा ट्रेन छूटने वाला था, तो जिसकी वजह से मैं वहाँ न्यू दिल्ली में तो रेलवे स्टेशन पे बना नहीं पाया आप लोग, और मैंने सोचा कि ट्रेन में बना लूँगा, बट लेकिन ट्रेन में एक हादसा हो गया जिसकी वजह से हमारी बॉगी का जो है वो लाइट ही कटा रह गया, तो अंधेरा में तो कुछ समझ भी नहीं आता, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। तो मैं सोचा था कि मैं अपना ब्लॉग जो है वो उधमपुर से स्टार्ट करूँगा, तो ये ब्लॉग जो है वो उधमपुर से स्टार्ट होगा। और डिटेल जो है ट्रैवलिंग डिटेल जो है वो मैं लास्ट में दूंगा, तो इसलिए मैं अभी आपको सारा डिटेल शेयर कर देता हूँ। और जितने भी सारे नंबर हैं, कॉन्टेक्ट नंबर और जो भी रूट वगैरह है जो भी, वो सारा जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी आप मुझे जो है इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जो है सेम नाम से चैनल के RK Blog 2.0 के नाम से आप सर्च करके जो है वहाँ से भी आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, और सारा डिटेल मैं वहाँ भी आपको शेयर कर दूंगा। बाकी सिटी में आने के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि कुछ आने से पहले जो है आपको क्या क्या प्लान करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है मुझे लगा है कि जो शायद आपको पता होना चाहिए। मैंने ब्लॉग देखा लेकिन किसी ने ब्लॉगर ने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया था, तो चलो ठीक है, मुझे उससे ज़्यादा इशू नहीं हुआ, बट लेकिन क्योंकि मैं बहसबाजी में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपसे हो जाए, तो वो चीज़ें जो है मैं एक बार आपको सारा डिटेल शेयर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको न्यू दिल्ली से कैसे आना है, क्या करना, कौन सा ट्रेन लेना, उसका सारा डिटेल। श्रीनगर आने के लिए जो है जर्नी डायरेक्ट, यहाँ तो ट्रेन भी नहीं आती है ना कोई बस सर्विस है डायरेक्ट, आपको या तो जम्मू आना होगा, फिर या आपको उधमपुर आना होगा, या फिर आप कटरा भी आ सकते हैं, वहाँ से भी होगा आपका सर्विस मिल जाएगा, या फिर जम्मू आए वहाँ से फिर आप बाई टैक्सी जो है कि वो श्रीनगर आए। बाकी एक जो है जो चीपेस्ट रूट जो है मुझे लगा,
और जो इसको मैंने एक्सप्लोर किया तो वो रूट है ये उधमपुर होते हुए। तो इसमें जो है कि आपको न्यू दिल्ली से जो है ट्रेन लेके उधमपुर आना होगा, और उधमपुर से जो है फिर बनिहाल होते हुए फिर आप श्रीनगर आ सकते हैं। तो मैं जो एक ट्रेन जो मैंने रिसर्च करके निकाला था वो ट्रेन था, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो वो है 12445 ट्रेन नंबर, जो कि उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन का नाम है। तो ये बेस्ट ट्रेन है जो कि न्यू दिल्ली से ही बनता है। 8:50 पे इसका टाइमिंग है और मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो ऑन टाइम ही रहता है। तो आप ये ख्याल में तो नहीं रहे कि लेट रहेगा, क्योंकि जनरली और ट्रेन जो है हमारा रेलवे जो है वो अक्सर लेट चलती है, बट लेकिन इस केस में जो है ऐसा नहीं है, ज़्यादातर टाइम में हो रहता है, ये ऑन टाइम ही रहती है। तो इस चीज़ का आप खासा ख्याल रखेंगे तो ये ट्रेन जो है। और सेकेंड चीज़ है कि अगर आप मतलब कि आपका तत्काल बुक नहीं किया हुआ है, और आप जो है कि तत्काल नहीं बुक किया हुआ है और आप डायरेक्ट आना चाह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट जाके जनरल से ही ट्रैवल कर लूँ, तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल में आपको सीट वगैरह मिल जाएगा, हाफ एन आवर या 45 मिनट ऑलमोस्ट रखोगे, आपको पहले स्टेशन आना होगा, ट्रेन लग जाती है तो पहले अगर आ जाते हैं तो सीट बहुत ईजिली भी मिल जाएगा। अगर इनके सीट नहीं भी मिलता है तो लुधियाना वगैरह के बाद जो है कि आराम से सीट मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली ऑलमोस्ट खाली हो जाती है, तो 4-5 घंटे के लिए आपको सीट भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दो इसमें जो है जनरल बोगी जो है वो 2 आगे है 2 पीछे है, और जो है कि इसका टाइमिंग 8:50 पे है न्यू दिल्ली से। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गया कि जो कि मैंने पहले अभी बताया भी था कि मेरी ट्रेन जो है वो लेट हो गई। एक्चुअली ट्रेन लेट नहीं हुई, मैं ही लेट हो गया, और फिर जाके जो है कि मैं आया तो जल्दी जल्दी टिकट भी ले नहीं पाया, और फिर जो है बट लेकिन बाय संजोग कि कहते हैं ना, इस सफ़र में जो है कि पूरा मतलब कुछ भी प्लान के हिसाब से मेरा नहीं चल रहा है। अभी मैंने प्लान किया तो ऑन टाइम ट्रेन नहीं थी, ट्रेन भी जो है कि वो लेट हो गई, क्योंकि एक हादसा हो गया था ट्रेन के साथ, मेरी ही ट्रेन पे एक हादसा हो गया जो ट्रेन से मैं ट्रेवल कर रहा था, उसकी वजह से वो लेट हो गई। उसका वीडियो है मेरे पास, मैं थोड़ा सा उसका डालूंगा, पूरा नहीं डालूंगा, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है डालना, तो क्योंकि कोई एक बंदा है अब उसने खुदकुशी की या फिर वो गलती से गिर गया, वो ट्रेन के ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से वो हाई टेंशन वायर जो होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए इंजन को उस पे, और उसकी वजह से जो है वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो लेट हो गया था, लगभग हाफ एन आवर लेट हो गया था। और उसी की वजह से जो है मेरे बॉगी का जो है वो लाइट भी कट गया, तो वो पूरे रास्ते लाइट नहीं रही, जिसकी वजह से कि मैं ब्लॉग वहाँ से नहीं करके उधमपुर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। तो वहाँ से जो है आपको उधमपुर आना होगा, उधमपुर के जो है वो 7:10 से 15 के बीच में जो है वो छोड़ देगा, ऑन टाइम ही रहती है ट्रेन और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वहाँ से जो है एक इन्फॉर्मेशन है कि आप टैक्सी जो है वो रेलवे स्टेशन से नहीं लें, टैक्सी आप जो है वो या तो वहाँ से बस स्टैंड आ जाए और वहाँ से जो है कि आप टैक्सी ले लें। मैंने जब रिसर्च किया था तो उस टाइम में टैक्सी का जो रेट पता चला था तो वो था 300 के आसपास, बट लेकिन पता नहीं क्या रीज़न वो लोग बता रहे थे कि मतलब अभी जाना तो होता है लेकिन उधर से खाली आना था, इसलिए 500 पर हेड। तो वहाँ से आपको बनिहाल आना होगा, कोशिश करें कि जल्दी आने के लिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा बनिहाल में ट्रेन लास्ट ट्रेन जो है आपको 3:30 के आसपास है बनिहाल से, तो वो आपको एक दिक्कत हो जाएगा। तो जितना सॉरी 3:30 नहीं 4:30 के आसपास है, 4 या 4:30 के आसपास है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्टली डाल दूंगा कि कितने बजे है ट्रेन। तो एक तो वो चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जितना जल्दी हो सके आप जो है कि उधमपुर से निकल जाइए। अभी जो है वो हाईवे वगैरह का भी काम चल रहा है, जिसकी वजह से अगर आप अभी सडनली प्लान कर रहे हैं इधर 1-2 वीक में आने के लिए तो थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि उसकी वजह से लेट होती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैंने प्लान किया इस ट्रिप में जो है कि पूरा ही मेरा प्लान जो है वो कुछ भी सक्सेस हो नहीं आया है। तो हम लोग जो है कि वहाँ से तो निकल गए, बट लेकिन जब बनिहाल वहाँ से निकले बनिहाल के लिए तो रास्ते में एक तो जाम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कई जगह टर्नल वगैरह बन रहा है और कई जगह जो है कि काम वगैरह चल रहा है रोड का, और बहुत सारा लैंडस्लाइड वगैरह भी हो रहा है, क्योंकि पहाड़ तोड़ के तो हाईवे बनाया गया बट लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है कई जगह जाम लग रहा था और बहुत स्लो ही गाड़ी मूव कर रही थी। तो आते आते फिर भी जो है हम लोग प्लान किए थे कि 2:30 वाला ट्रेन पकड़ लेंगे, बट लेकिन वो नहीं हो पाया, तो फिर 3:15 वाली हमें लेना पड़ा।
और क्राउड भी बहुत ज़्यादा था। पता नहीं रीज़न मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैंने एक चीज़ जो नोटिस किया कि लोग बहुत सारे रिटर्न आ रहे हैं, गाड़ी पे बहुत सारा सामान वगैरह था, पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं है, मैं बात करूँगा अभी बाहर यहाँ के लोकल वगैरह से, तो कुछ आइडिया लगेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो चीज़ शेयर कर दूँगा कि ये, तो उसके वजह से जो है कि ट्रेन में भीड़ भी बहुत ज़्यादा था, और तो इसलिए मैं बनिहाल से जो मैंने प्लान किया था कि मैं वहाँ से भी कुछ रिकॉर्डिंग कर लूँगा, जो बनिहाल से जो श्रीनगर के लिए जो ट्रेन चलती है उसके लिए, पर तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि गेट पे इतना ज़्यादा क्राउड था कि जिसकी वजह से कुछ रिकॉर्डिंग करना, क्या कि वहाँ से हिलना नहीं मुश्किल नहीं हो पा रहा था, और लोग पता नहीं क्यों ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा हैवी सामान लेकर उस पर चढ़ रहे थे, तो एक वो है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को जो है टूरिज़्म, आप श्रीनगर एक टूरिज़्म का हब है तो उसके लिए जो है कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए कि ताकि मतलब टूरिस्ट को परेशान नहीं हो, पूरे रास्ते मुझे खड़ा होकर आना पड़ा, मेरे साथ कुछ और लोग भी थे टूरिस्ट जो साथ में हम लोग ट्रेवल कर रहे थे, तो उन्हें भी खड़ा ही होकर आना पड़ा, तो एक ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप जो है कि प्रिपेयर रहें और कोशिश करें कि अगर आप पहले आते हैं तो अगर एक में अगर फुल है तो नेक्स्ट ट्रेन का वेट करके उसमें जो है कि पहले बोर्डिंग करके सीट वगैरह आप ले लेंगे, तो वो पॉसिबल तभी होगा जब आप ऑन टाइम स्टेशन पहुंचेंगे, मतलब आपके पास टाइम ज़्यादा रहेगा। अगर आप 12:30-11 बजे पहुंच जाते हैं, 12 बजे 1 बजे तक भी अगर पहुंच जाते हो, चलो ठीक है, आप 1:30 बजे वाली नहीं लेते हो तो आप 3:30 बजे वाले से आ सकते हो, तो ऐसा कुछ प्लान आप कर सकते हो, तो एक चीज़ इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। और सेकेंड चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो है, यहाँ पे जब आप श्रीनगर रेलवे स्टेशन आते हैं तो यहाँ से आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगा, तो प्राइवेट बुक करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, शेयर टैक्सी से वो जो है कि डल लेक के लिए जो है वो आपको 100 रुपीज़ चार्ज करेगा, जिस होटल का मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उस होटल तक आने के लिए, तो एक तो वो है कि आप वो चीज़ को देख लेंगे। हाँ, मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पे दलाल वगैरह भी होते हैं, तो आप एक बार जो गाड़ी का ड्राइवर है उससे क्लियरली बात कर ले कि मुझे फलां जगह जाना है, या तो होटल का जो भैया है वसीम भाई का जो मैं नंबर दे रहा हूँ उनसे बात करवा दे कैब वाले को, और फिर एग्जैक्टली पूरा कंफर्म होने के बाद फिर आए, क्योंकि टैक्सी में जो है कि एक था बंदा, वो फैमिली के साथ था, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ थे था वो लोग, तो वो उन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो गया कि उन लोगों को दलाल ने तो बैठा दिया कि लाल चौक के लिए, बट लेकिन ये टैक्सी जो है वो डल लेक पे आ रही थी, जिसकी वजह से उनसे बहसबाजी भी हो गया, और थोड़ा सा मुझे जो है कि बुरा लगा, क्योंकि टूरिस्ट जो नए प्लेस पे जाता है तो उनको वहाँ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता, तो आप इतना रूड होकर बात नहीं करो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बंदा भी था वो भी जो है कि उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो मुझे ये चीज़ थोड़ा उटपटांग लगा, तो वो चीज़ का जो है कि आप केयर रखेंगे। दूसरा चीज़ है कि बहसबाजी नहीं करिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक तो आप आउट ऑफ सिटी हैं, और दूसरा चीज़ है कि जम्मू कश्मीर का जो है थोड़ा इशू भी चलता रहता है, तो उसकी वजह से भी जो है कि आप अवॉइड करें, आप घूमने आए हैं घूमें आराम से, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, और जो है आराम से इंजॉय करें मोमेंट को और आराम से निकल जाएं, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। बाकी चीज़ें जो भी हैं, चाहे वो आप शिकारा राइड के लिए बात करें या किसी चीज़ के लिए, वो आप क्लियर बात करें, टू द पॉइंट बात करें, और रेट वगैरह सब कुछ क्लियर पहले कर लें, क्योंकि जैसे आप अगर आप श्रीनगर से बाहर जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं या कहीं जा और दूसरे प्लेस पर जाते हैं, तो अगर आप श्रीनगर से बाहर जो जाते हैं, गुलमर्ग हो गया या सोनमर्ग वगैरह जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ घूमने के लिए, तो वहाँ हॉर्स राइडिंग वगैरह होता है या फिर बाकी और चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप क्लियरली बात करें, क्योंकि मैंने एक दो जगह पढ़ा ये चीज़ कि वहाँ पे थोड़ा सा वो लोग पहले प्राइस कुछ बोलते हैं, बाद में जो है कि वो लोग फिर जब आप एक बार चले जाते हो तो फिर जाके कुछ ज़्यादा चार्ज मांगने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं, तो एक वो चीज़ का आप क्लियर कर लेना, क्योंकि मैंने एक दो अंग्रेज़ का वीडियो देखा और मैंने उनका ही ये सुना था, तो मैं वो चीज़ें जो है कि आप उसका ख्याल करें। बाकी जो है कि मैं गुलमर्ग वाला जो राइड रहेगा मेरा ब्लॉग, उसमें मैं आपको भी सारा क्लियर बता दूंगा, मैं एक बार कन्फर्म भी हो जाता हूँ इस चीज़ से कि क्या ये सही है या गलत है, तो एक वो चीज़ का ख्याल रखेंगे। बाकी टूरिस्ट प्लेस पे मेरा एक सजेशन रहता है हमेशा से कि क्लियरली बात करके जो है वो तभी आप ट्रैवल करें। दूसरा चीज़ है कि ज़्यादा बहसबाजी नहीं करें, ये दो चीज़ जो मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आप नए प्लेस पे हो तो अब वहाँ पे जो है कि पंगा लेना मतलब मुनासिब नहीं है। तो चलिए ठीक है, इस ब्लॉग को जो है मैं यहीं पर एंड करता हूँ। टेक्स्ट ब्लॉग जो है वो हमारा जो रहेगा वो हम लोग ट्रैवल करेंगे गुलमर्ग के लिए, तो मैं उसमें जो है कि सारा डिटेल दे दूंगा कैसे जाना है क्या है, और बाकी चलते हैं, क्योंकि मैं ये उम्मीद करके आ रहा था कि जब हम लोग बनिहाल से आएंगे तो वहाँ पे हम लोग को बर्फ़ वगैरह दिखेगा रेलवे स्टेशन के आसपास, तो वो अभी टाइम नहीं है। अगर आप वैसा अगर कोई सीनरी वगैरह देखना चाहते हैं और वैसा स्पोर्ट्स वगैरह मतलब अगर वैसा आप इंजॉय करना चाह रहे हैं
तो उसके लिए आप जनवरी वगैरह में प्लान करें, उस टाइम पे रहता है। बाकी अभी गुलमर्ग वगैरह में बर्फ़ मिलेगा, और अभी टैक्सी वाले भैया बता भी रहे थे कि कल जो है कि आज भी कल भी वहाँ बहुत ज़्यादा हैवी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो कल वो हमें वहाँ देखने को मिलेगा। तो बाकी है, और एक और इन्फॉर्मेशन कि आप जो हैवी जैकेट लेके आएँ, गर्म कपड़ा जो है वो फुल्ली लेके आएँ। ओढ़ने वगैरह का इशू नहीं है, या कम्बल वगैरह आपको हीटिंग वगैरह रूम में सब मिल जाता है, बट लेकिन अपने पहनने के लिए प्रॉपर लेके आएँ कैप वगैरह जो। मैं एक बार जो है आपको टोटल कॉस्ट जो है मुझे जो इस ट्रेवलिंग में लगा है जो इस पूरे सफ़र में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मुझे जो है वो पड़ा है 880 रुपीज़। ये जो है वो डिफ़र कर सकता है अलग अलग सीज़न पे, क्योंकि मेरा कॉस्ट जो है थोड़ा सा जो आगे बढ़ा वो है कि बनिहाल जाने के लिए जो उधमपुर से मैंने गाड़ी ली थी उसका जो है मुझे 500 देना पड़ गया था, तो एक वो कॉस्ट है और जो है कि उसकी वजह से थोड़ा ये गया। बाकी जो है वो फिक्स्ड है, जो डिफरेंस होगा वो यहीं पे होगा। तो और मैंने जो है वो जनरल से जो है ट्रेवल किया है, तो एक उसमें भी जो है मुझे कॉस्ट लगा, तो आप वो लेके चलो कि 500 से लेके 1000 के बीच में जो है आपको कॉस्ट पड़ेगा, अगर आप रिजर्वेशन स्लीपर तक जो है अगर आप ट्रैवल करते। और ये सबसे जो है वो चीपेस्ट है और ईजीएस्ट वे भी है जो है कि श्रीनगर पहुंचने के लिए। बाकी डिटेल जो है जो एक रह गया था इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे लगा कि आपको जो है ज़रूर शेयर करना चाहिए, और ये जो है डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो दिया रहेगा। इस ब्लॉग में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। और इस टाइप का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वीडियो आगे पुश हो। तो बकरवाल का